बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। इज़ अ लेक्चर नंबर 9 ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4। टुडे द डे इज़ वेनसडे एंड द डेट इज़ 6/1/2021। आज इस लेक्चर नंबर 9 में हम अपना जो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है लेसन नंबर 8, उसकी जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वर्क पेज किया था और ऑब्जेक्टिव की थी। आज इस लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और आप भी इसकी जो है वो रिवाइज़ करने के बाद रिटर्न फॉर्म में प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 8 है, जिसका यूनिट नंबर 1 है जियोग्राफी। लेसन नंबर 8 एंड द टॉपिक इज़ वाटर एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट अबाउट दी सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिफरेंट वे बताएंगे फ्रेश वाटर के, पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर के जो डिफरेंट वेज हैं उनके बारे में बताएंगे। सो द आंसर इज़ द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स एंड सोलर पम्प्स। ये डिफरेंट वेज हैं जहाँ से जो है वो हम फ्रेश वाटर गेट करते हैं। रिवर से हमें जो है फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये वो वे हैं जो कि टाउन्स में रहने वाले या विलेजेस के जो लोग हैं जहाँ पर कैनाल्स और रिवर्स नहीं होती, वहाँ के लोग जो है वो वेल्स और ट्यूबवेल से वाटर गेट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डैम्स। डैम्स जो है वो रिवर्स के अपर पार्ट में लगाया जाता है जो कि वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा जो है वो फ्रेश वाटर का वे है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सोलर पम्प्स। वो एरियाज जहाँ पर जो है वो शॉर्टेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ के लोग जो है वो सोलर पम्प्स यूज़ करते हैं। सोलर पम्प्स एनर्जी यूज़ करता है सन की, और सन की एनर्जी को यूज़ करके वो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे अर्थ की सरफेस पे लाता है, यानी कि वहाँ पर जो है वो सोलर पावर जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो हमें वाटर गेट होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज स्टोर्ड। यहाँ पे हम डिफरेंट वेज बताएंगे जहाँ पर जहाँ हम वाटर को स्टोर करते हैं। सो द आंसर इज वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड बैरेजेस। वाटर को स्टोर करने के लिए हम डैम्स यूज़ करते हैं और बैरेजेस यूज़ करते हैं। डैम्स और बैरेजेस जो होते हैं वो रिवर के अपर पार्ट पे लगाए जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर वाटर स्टोर किया जाता है, और इसके अलावा ये जो है वो रिवर में जो वाटर का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेन वेज हैं जहाँ पर जो है वो हम लार्ज क्वान्टिटी में वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल कंट्री के बारे में बताएंगे। द आंसर इज अ कंट्री विद मैनी फैक्ट्रीज एंड मिल्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल कंट्री। वो कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज और मिल्स होती हैं, जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, मशीनरीज वगैरह बनती हैं, उस कंट्री को हम जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्री कहते हैं। अब फैक्ट्रीज और मिल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट गुड्स बन रही होती हैं, तो डिफरेंट गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फैक्ट्रीज और मिल्स होती हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लैंड पे ज़्यादा वर्क होता है, यानी कि क्रॉप्स को हम ग्रो और कट करते हैं, तो इसलिए जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री से कहा जाता है। और इंडस्ट्रियल कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं और मिल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बताएंगे कि जो पाकिस्तान है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से गेट करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल हम किसे कहते हैं। रॉ मटेरियल्स जो होता है वो नेचुरली होता है, मैनमेड नहीं होता। ये वो मटेरियल होता है जो कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल में हमारे पास प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स आ जाते हैं, लाइक के हम देखते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, रॉक्स, स्टोन्स, ये डिफरेंट जो है वो रॉ मटेरियल आ जाता है इसमें। अब हम इस क्वेश्चन में बताएंगे कि ये रॉ मटेरियल हमें मिलता कहाँ से, हम कहाँ से गेट करते हैं। द आंसर इज पाकिस्तान ऑब्टेन्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द लैंड, सी एंड ओशंस। कि ये जो रॉ मटेरियल है वो हमें लैंड से मिलता है, सी से मिलता है और ओशन से मिलता है, और इस रॉ मटेरियल्स को हम अपनी इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री है तो उसके लिए कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जो नीड्स होती हैं जिससे जो वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इंडस्ट्री की नीड्स बताएंगे। द आंसर इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री आर पावर,
मशीन्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर, वर्कर्स, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो है वो नीड्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। लाइक पावर हम कहते हैं एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मशीन्स, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए आपको किस टाइप की मशीन की जो है वो नीड होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट, कि जब वो प्रोडक्ट बन जाती है तो आप कैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह या मार्केट में भेजेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वाटर, जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्कर्स, जो कि उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट्स को बना रहे होते हैं। तो ये हमारी मेन नीड्स थी, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसके लिए हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। यहाँ पर हम बताएंगे कि इंडस्ट्री के लिए वाटर क्यों इम्पोर्टेंट होता है। द आंसर इज़ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वॉशिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अ प्रोडक्ट। वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोसेसिंग में, फिर उस प्रोडक्ट को क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ हम करते हैं, कूलिंग उसको कूल अप करने के लिए, और नेक्स्ट जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। वर्क पेज है हमारे पास 52। इसके आज हम एक्सरसाइज ए और बी करेंगे। एक्सरसाइज ए इज़ लुक इन अ डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दीज थिंग्स। यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हमने मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप डिक्शनरी की हेल्प से इनके मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रिजर्वायर। द मीनिंग इज़ अ लार्ज नेचुरल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर जो था वो मिसप्रिंट था, तो आप सोर्स ऑफ के बाद वाटर लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी नेचुरल लेक भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है ग्लेशियर, अ रिवर ऑफ आइस, यानी कि कोल्ड जब क्लाइमेट होती है माउंटेन एरियाज में, वहाँ पर जब स्नोफॉल होती है तो हर चीज़ जो है वो स्नो से कवर हो जाती है, तो ग्लेशियर हम कहते हैं अ रिवर ऑफ आइस या मैस ऑफ आइस को। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है डैम, अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट फोर्थ इज बैरेज, अ बैरियर अक्रॉस अ रिवर टू प्रिवेंट फ्लडिंग। डैम और बैरेज के बारे में हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स में भी जो है इसे रीड आउट कर चुके हैं, कि ये जो है एक तो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट हम इसे करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। फिफ्थ है हमारे पास रिसोर्स, अ सप्लाई ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल किसी भी टाइप का हो सकता है। सिक्स है हमारे पास केनाल, आर्टिफिशियल वाटर वेज टू सप्लाई वाटर। नेक्स्ट है सेवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर्स। एक्सरसाइज ए के जस्ट 7 वर्ड्स के मीनिंग्स आप लर्न करेंगे, 8 और 9 जो है वो आप कट कर देंगे। जस्ट हमने 7 इनके जो मीनिंग्स हैं वो लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी इज लेबल द डायग्राम। इसमें हम वाटर साइकिल की जो डायग्राम है उसे लेबल करेंगे, लेकिन इसको लेबल करने से पहले बुक के ऊपर पेज नंबर 45 पे ये डायग्राम दी गई है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपके लिए इसको लेबल करना इजी होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है वाटर, ये है हमारे पास सी। जब सी जो होता है, सी, ओशंस, रिवर्स या जो केनाल्स होती हैं, वो सन लाइट से हीट होती हैं, तो हीट होने के बाद वाटर वेपर में चेंज हो जाती हैं, और वाटर वेपर जो होते हैं वो बाद में क्लाउड्स की फॉर्म में जो है वो राइज होते हैं, और जब हमारे जो क्लाउड्स होते हैं वो वाटर से हैवी हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो देन जो है वो रेन स्टार्ट हो जाती है, और वो एरियाज जहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो कोल्ड होती है, तो वाटर चेंज हो जाता है स्नो में, और वहाँ पर जो है वो स्नो फॉलिंग होती है, और जब रेन और स्नो फॉलिंग होती है तो अगेन जो वाटर होता है वो अर्थ पे वापस आ रहा होता है। जहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है, तो जब समर सीजन में जो है वो जो स्नो होती है वो सन लाइट से हीट होती है, तो वो देन स्नो जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर फिर जो है वो अगेन ओशन, सी और रिवर्स में आ रहा होता है। तो ये हमारा फुल जो था वो वाटर साइकिल था। अब वर्क जो हमारा वर्क पेज है उसके ऊपर इसी वाटर साइकिल को आप लेबल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इधर आ जाएगा सी, सी के बाद ये जो एरोज है ये है हमारे पास वाटर वेपर, देन यहाँ पर होगा रेन क्लाउड्स, यहाँ पर आप लिखेंगे रेन, और यहाँ पर आ जाएगा स्नो। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स और मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट।
द फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज सी वाटर इज डैश. तो सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है. तो आप डैश पे क्या लिखोगे? सॉल्टी. ये जो ब्लैंक है इसमें आप लिखेंगे सॉल्टी. सी वाटर इज सॉल्टी. जो सी वाटर होता है वो नमकीन होता है, सॉल्टी. द सेकेंड इज देयर आर स्मॉलर डैम्स इन के पी के. के पी के हम खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं, जो कि हमारा एक प्रोविंस है. तो इस ब्लैंक पे आप के पी के लिखेंगे कि के पी के में जो है वो स्मॉलर डैम्स हैं, डैम्स जिसमें हम जो है वो वाटर को स्टोर करते हैं. द थर्ड इज वेल्स आर लार्ज डैश डग इन द ग्राउंड. तो इस ब्लैंक में आएगा होल्स. होल्स हम कहते हैं सुराख को. ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा जो होल्स बनाया जाता है उसे जो है वो वेल्स कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम जो है वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? होल्स. द फोर्थ इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मिनरल्स. यहाँ पर आएगा टू मिनरल्स की जो है वो टू टाइप्स होती हैं, मेटैलिक मिनरल एंड नॉन मेटैलिक मिनरल्स. तो यहाँ पर आएगा टू. द फिफ्थ इज इन नॉर्दर्न पार्ट वी हैव फास्ट फ्लोइंग डैश. यहाँ पर नॉर्दर्न के स्पेलिंग में मिस्टेक है, आर के बाद ई नहीं आएगा, आप इस ई को कट कर देंगे. एन ओ आर टी एच ई आर एन इसकी स्पेलिंग है. तो यहाँ पर आप आर के बाद जो ई है इसे कट कर देंगे. इन नॉर्दर्न पार्ट वी हैव फास्ट फ्लोइंग, इस ब्लैंक के अंदर आएगा रिवर्स के. नॉर्दर्न एरिया में जो है वो हमारे पास फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. इसमें हम ट्रू और फॉल्स बताएंगे. द फर्स्ट इज डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन लार्ज रिवर्स टू स्टोर वाटर. इट इज़ ट्रू. जो डैम्स होते हैं वो हम वाटर स्टोर करने के लिए बिल्ड करते हैं और ये लार्ज रिवर्स में बनाए जाते हैं. द सेकेंड इज बैरियर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर. इट इज़ ट्रू. जो बैरियर होता है वो जो है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसे स्लो करता है, उसकी मूवमेंट को स्लो करता है. द थर्ड इज पाकिस्तान हैज़ द स्मॉलेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड. इट इज़ फॉल्स. पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है वो स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. तो हम अपनी फील्ड को जो है वो इरीगेट करते हैं तो कैनाल से ही करते हैं. तो ये जो है हमारा फॉल्स है. द फोर्थ इज वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स इज इनफ टू मीट आवर नीड्स. इट इज़ फॉल्स. हमारे जो डेली नीड्स हैं इसमें वाटर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जस्ट हमें वेल्स का जो वाटर है वो इनफ नहीं है, क्योंकि वाटर हम फैक्ट्रीज में भी, मिल्स, इंडस्ट्रीज, होम में भी यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये हमारे लिए इनफ नहीं है. द फिफ्थ इज इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. इट इज़ ट्रू. क्योंकि पाकिस्तान में जब मानसून सीजन होता है देन जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होती है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेसन को रिवाइज कर लिया. अब आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और इसकी जो है वो रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.